हेलो, वेलकम ऑन पिंच ऑफ स्पाइसेस। आज हम बनाने जा रहे हैं तिरंगा पुलाव। तिरंगा पुलाव इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या जब भी आपका मन करे तब बनाकर खा सकते हैं। जैसे हमारे तिरंगे में तीन कलर है, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, वैसे ही कलर का पुलाव हम आज बनाएंगे। पर कोई खाने के कलर नहीं डालेंगे, इसे नेचुरल तरीके से ही बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और कलरफुल पुलाव बनता है, तो चलिए बनाते हैं तिरंगा पुलाव। सबसे पहले तेल गरम करके उसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, चार हरी इलायची, दालचीनी दो से तीन टुकड़े, एक एक इंच के दो बड़ी इलायची, तीन चक्री फूल, चार से पांच लौंग और एक चम्मच साबुत काली मिर्च, दो तेज़पत्ता डालकर भून लेंगे। दो से ढाई ग्लास पानी डालेंगे। ढककर रखेंगे। पानी उबलने पर उसमें 20 मिनट भिगाकर रखा हुआ चावल डालेंगे। नमक डालेंगे और हल्का सा चम्मच से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर पकने देंगे। 15 से 20 मिनट में चावल पक जाएंगे। तब तक हम हरा पुलाव बनाने के लिए तैयारी करते हैं। हरी मिर्च 4 से 5, धनिया 1 कप, पुदीना 1/2 कप और थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। थोड़े उबले हुए पालक के पत्ते डाले हैं, इससे और अच्छा हरा कलर आएगा। हरे मटर के दाने उबले हुए दरदरा पीस लेंगे, इसे हम हरे कलर का पुलाव बनाने के लिए यूज करेंगे। चावल पक गए हैं, इसमें से ऊपर के खड़े मसाले निकाल लेंगे और तीन एक जैसे समान हिस्से करेंगे। अभी व्हाइट लेयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। कढ़ाई में एक चम्मच घी डाला है, इसमें 7 से 8 काजू डालकर हल्का सा भून लिया है। इसमें चावल का एक हिस्सा डालेंगे। चाट मसाला 1/2 चम्मच डालेंगे। काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे और मिक्स करेंगे। व्हाइट लेयर के लिए ये पुलाव तैयार है। ऑरेंज लेयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे, इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे। टोमेटो प्यूरी डालेंगे, ये टोमेटो प्यूरी घर पर बना सकते हैं। 4 से 5 टोमेटो को काटकर मिक्सर में पीस लेना है, फिर छानकर उसके पल्प को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है और ये प्यूरी बनकर तैयार हो जाएगी। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालकर भून लेंगे। नमक 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच डालकर भून लेंगे। चावल का एक हिस्सा डालकर मिक्स करेंगे। अच्छा ऑरेंज कलर आया है, ये पुलाव तैयार है।
ग्रीन कलर पुलाव के लिए प्रिपेयर करते हैं। कढ़ाई में एक चम्मच घी डालेंगे। गरम होने के बाद आधा चम्मच जीरा डालेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट आधा चम्मच डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे। हरी पेस्ट बनाई थी वो डालेंगे और दरदरा किया हुआ मटर डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसमें काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे, नमक आधा चम्मच और थोड़ा पकाएंगे। इसका पानी सूख जाए तब चावल का एक हिस्सा डालेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छा हरा कलर आया है, ये पुलाव अभी तैयार है। तीनों कलर तैयार है, अभी इसे बॉक्स में तिरंगा के कलर जैसे सेट करते हैं। सबसे पहले केसरी यानी ऑरेंज कलर का पुलाव डालते हैं। इसे थोड़ा चम्मच से प्रेस करते हैं। और इस पर सफेद व्हाइट कलर का पुलाव डालेंगे और प्रेस करेंगे। इसके ऊपर हरा ग्रीन कलर का पुलाव डालेंगे और प्रेस करेंगे। इसे अभी प्लेट पर निकालेंगे। बॉक्स पर थोड़ा सा टैप करेंगे और हल्के से बॉक्स को निकाल देंगे। ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला और टेस्टी पुलाव रेडी है। तो रिपब्लिक डे पर ये ट्राइकलर पुलाव ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।